आज के 2 फरवरी की ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा समय जहां पर और जिस समय हम उठ करके एक ऐसी शक्ति जिनको हम परमात्मा अल्लाह यहोवा गॉड कहते हैं, कुछ लोग उसको कॉस्मिक भी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, लेकिन वो है परमात्मा पिता। एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी आती है परमात्मा से, उसके साथ में हम जुड़े कैसे, वो एक समय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। आज उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज में अंतर आना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में कई शास्त्रों में बोला हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला हुआ है, भगवद गीता ने बोला हुआ है इसके बारे में, और भी बहुत सारे शास्त्रों में बोला हुआ है। तो देखें इसका महत्व और इससे हमें मिलता क्या है। परमात्मा पिता कहते हैं कि अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी बाबा, नॉर्मल वाले नहीं, विशेष सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप मतलब परमात्मा के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें कि मैं भी पवित्र, परमात्मा भी पवित्र, मैं भी शक्तिशाली, परमात्मा भी शक्तिशाली। मतलब हमारे जो थॉट्स है ना उस समय, सुबह 4 बजे उठने वाले, 3:30 बजे उठने वाले सुबह के, वो परमात्मा से कनेक्टेड हो, बिल्कुल प्योर और डिवाइन हो। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं, उस समय हमें क्या मिलता है, परमात्मा से वरदान मिलता है, हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, हमें एक तरीका मिलता है पूरे दिन को व्यतीत करने का, और वो सुबह मिलता है हमें परमात्मा से। हम ऑलरेडी अपने आप को सिंक्रोनाइज कर देते हैं सारी दुनिया की फ्रीक्वेंसी से भी पहले, और सारी दुनिया जब उठ रही होती है तो हमारे बहुत थॉट्स जो होते हैं, हमारे जो संकल्प होते हैं, सारे काम को कर बैठे होते हैं। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, मतलब कि आप सुबह नहीं उठ रहे अमृत वेला, आप अपने आराम से उठ रहे हैं, तो इसका मतलब उस समय आपने परमात्मा से वरदान दिए बिना आपने सेवा जो भी करी वो बहुत ही साधारण सेवा होगी, उसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं होगी, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, अमृत वेले का सुबह 4 बजे 3:30 बजे, संकल्प का कि मेरे जो संकल्प होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होने चाहिए पूरे सुबह, समय का कि जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण मेरा इंपॉर्टेंट है, और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। तो महत्व क्या है इसका, इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर आप सुबह उठते हो, अगर अर्ली टू बेड होते हो और अर्ली टू राइज होते हो तो आप हेल्दी वेल्दी वाइज हो जाते हो, लेकिन आज दुनिया चलती है उल्टी, आज दुनिया सोती लेट है और उठती भी लेट है, तो इस कारण से क्या होता है, मन भी भारी, बुद्धि भी भारी, चिड़चिड़ापन, काम भी डिलेड, और फिर उसका हमने बुद्धि चलती नहीं है, उस समय क्या करना चाहिए, कोई सिचुएशन आती तो आप घबरा जाते हो, तो इस कारण से क्या होता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है। जो इंसान, जो आत्माएं जल्दी उठती हैं और जल्दी सोती हैं और फिर जल्दी उठती हैं, उनके मन के अंदर परमात्मा से कनेक्शन सबसे पहले बैठता है, दूसरा उनको पूरा डे की, वो पूरे दिन का प्लानिंग कर पाते हैं, तीसरी बात वो हेल्दी रहते हैं बिकॉज वो व्यायाम करने के लिए भी टाइम रहता है उनके पास में, वो अच्छी सोच कर सकते हैं, वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं उस समय और बहुत प्राप्तियां कर सकते हैं। ये ऐसा अमृत वेला है जो कि सदा के लिए कॉन्स्टेंट चलना चाहिए, कभी कभी मेरा भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम कॉन्स्टेंट ट्राई करते हैं करने की इसको, ताकि हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहे। और अनुभव है कि अमृत वेला करने के बाद में जो सेवाएं होती हैं उनकी क्वालिटी में फर्क होता है, शक्ति होती है, आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मभरोसा होता है, आत्मनिर्भरता होती है इस समय। तो ये सारी चीजें, सारे गुण हमारे अमृत वेला के बाद में ही आते हैं और करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में और जानने के लिए आप आइए ब्रह्म कुमारी, इसमें समझिए ये विधि क्या है, करते कैसे है इसको, और आपका फायदा होगा ही होगा 100%, क्योंकि शास्त्रों में जब लिखी है और परमात्मा ने, भगवान ने जब कह दिया उठना है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ओम शांति इसके साथ।